हम लोगों को पता है गोजो वर्सेस सुकुना का फाइट खत्म हो चुका है, सुकुना हैज वन द बैटल एंड गोजो हैज डाइड, बट व्हाट इफ आई से गोजो मरा नहीं, वो जिंदा है, ही इज गोना कम बैक एंड अगेन फाइट विद सुकुना या फिर केंजा को, जो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान कर रहा है। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सुन के बोलने वाले हो, क्या पागल हो गया क्या, गोजो को तो दो हिस्सों में काट दे, वो वापस कैसे आएगा? थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। राइटर ने चैप्टर 235 और 236 में इतने सारे अलग अलग डिटेल्स छोड़ के गए, अलग अलग हिंट्स दे दिया है कि भाई जो गोजो है ही इज गोना कम बैक। इस वाले वीडियो के अंदर तुम लोग को ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला, जो गोजो का कम बैक है वो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, नेवर थॉट कि गोजो का फैन बेस इतना बड़ा है और लोग उसको इतना प्यार करते हैं, बिकॉज़ गोजो मरने के बाद अभी लिटरली फैंस रस्ते पे उसका अल्टर लगा के भाई मैसेजेस सेंड कर रहा है, जो देख के बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अपना जो प्यार है गोजो के लिए वो दिखा रहा है, जो ट्रिब्यूट है वो दे रहा है गोजो को, व्हिच रियली वार्म्स माय हार्ट भाई। जैसे मैंने बोला, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे हिंट्स हैं जिससे हम लोगों को पता चलता है गोजो का रिटर्न इन फ्यूचर। जैसे हम लोगों ने देखा गोजो को सब लोगों को गुड बाय बोलते हुए, फेयरवेल बोलते हैं, बट उन लोगों ने जो स्टूडेंट्स अभी है जिंदा, बट उन लोगों को जो लोग अभी मर चुके हैं, जो लोग जिंदा नहीं, तो अगर मरने के बाद गोजो उनको ज्वाइन करेगा तो उनको गुड बाय क्यों बोलेगा? और हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पैनल नोटिस किया जब नानामी वाज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड साउथ वाली बात, कि मैंने उसको बोला साउथ पिक करोगे तो यार तुम जैसे हो वैसे रहोगे, अगर नॉर्थ पिक करोगे यू विल गेट अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है, ये जो पैनल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो राइटर इसको मेंशन क्यों करता भाई? दो अलग अलग साइड है, एक साइड को हम लोगों ने ऑलरेडी पिक करते हुए देखा नानामी को, जिसके कारण वो जैसे का वैसा ही है, बट जो अदर साइड है नॉर्थ उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राइटर एक चीज को तुम लोगों के सामने लेकर आएगा और उसके अंदर क्या है, उसका यूज करने से क्या होता है नहीं होता, ये हम लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। ना ब्रो, इट कांट बी हैपन। और गोजो ये सुनने के बाद क्या बोल रहा था, आई सी, फिर सब लोगों को गुड बाय बोल के वो चला गया। उसके बाद हम लोग रीसेंट टाइमलाइन पे आ जाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं गोजो लेटा है, दो हिस्सों में कटा है, बट गोजो की आंखें खुली है एंड ही स्टिल ब्रीथिंग। तो फर्स्ट वाला हिंट वाज अबाउट गुड बाय, सेकंड हिंट वाज नॉर्थ एंड साउथ, जिसको राइटर ने खुद हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया। और जो थर्ड वाला पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने जो सुकेशन के एपिसोड 1 के अंदर देखा, योजो गोजो को पूछ रहा था अगर सुकुना को सारे फिंगर्स मिल जाए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्या गोजो उसको स्टिल रोक पाएगा? फिर गोजो ने बोला कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। और उसके बाद ये जो बैटल है सुकुना वर्सेस गोजो फाइट, ये स्टार्ट होने से पहले भी गोजो बोल रहा था आई विल विन, मैं जीतने वाला हूं ये फाइट। तो यहां पर गोजो के दो प्रॉमिसेस जो हम लोगों ने अभी तक सच होते हुए नहीं देखा। नॉट ओनली दैट, जो सीन तो अभी फिलहाल चला है शिबुया में, हम लोगों ने देखा गोजो जब फाइनली सुगुरु से मिलता है बहुत टाइम बाद, वो थोड़ा शॉक हो जाता है सुगुरु को देख के, ही विल बी मॉर्निंग सुगुरुस डेड बॉडी। फिर हम लोगों ने सुकुना वर्सेस गोजो फाइट शुरू होने से पहले भी देखा गोजो वाज सेइंग किंजो को मार के गिदो की जो बॉडी है वो खुद दफनाने वाला है। और इन सबके साथ साथ गोजो ने खुद बोला वो अपने आंखों से देखना चाहता अपने स्टूडेंट्स को उसको सरपास करते हुए, जो अगेन उसने नहीं देख पाया। एंड द लास्ट वन सेविंग मेगुमी, जब उसको पता चला सुकुना ने मेगुमी को बॉडी को एकदम से कैप्चर कर लिया, तब ही उसने ठान लिया मेगुमी को वो बचाने वाला। और ये लग बात है उसने तो अभी तक मेगुमी को कुछ बताया ही नहीं उसके बाप के बारे में। तो इतने सारे चीजें जिसके बारे में गोजो ने प्रॉमिस किया है, बोल के रखा है, बट वो कर नहीं पाया, इनमें से एक भी वो फुलफिल नहीं कर पाया। यहाँ पर आई डोंट नो, आई फील लाइक जो सारे चीजें गोजो ने बोल के रखा है, प्रॉमिस करके रखा है, ये सारे चीजें सच होने वाली है। अब कैसे होगा उसके बारे में आगे वीडियो में बात कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दैट लाइक बटन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट करो। तुम ऐसा 60% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, बट यू गाइस वॉच द वीडियो, इट रियली हर्ट्स। योर ब्रो मेक्स वीडियो ओनली फॉर यू, सो मेक श्योर सब्सक्राइबिंग यार, अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के लास्ट वाले पैनल में देखा है गोजो जमीन पे पड़ा है और जो सुकुना है वहां पर खड़ा है, और बीच में आ जाती है काशिमो फाइट करने के लिए। और काशिमो को देख के कहीं से नहीं लग रहा है वो कोई इमोशन शो कर रही है, वो दुख है और समथिंग। लिटरली वहां पर गोजो दो हिस्सों में बट गया, काशिमो कोई इमोशन ही शो नहीं करी, वो एकदम से आ गई सुकुना के साथ फाइट करने के लिए। ऐसे जितना लग रहा है काशिमो को पता है जो गोजो है वो अभी तक जिंदा है। और हमने देखा सुकुना गोजो के सामने खड़ा है, बात कर रहा था, और गोजो दो हिस्सों में कटा है बट उसका जो सर है वो एकदम ठीक ठाक है। और तुम लोगों को पता है यार तुझे के साथ जब फाइट हुआ तब गोजो ने बोल के रखा उसको मारने के लिए उसके सर को फोड़ना पड़ेगा, बट गोजो का सर एकदम ठीक ठाक है। तो मेरे को लग रहा है जो काशिमो है वो नहीं चाहती है सुकुना उसके साथ कर दे या फिर कोई फाइनल ब्लो दे, उससे पहले काशिमो एंट्री ले लेते उसके साथ फाइट करने के लिए, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट सुकुना फ्रॉम गोजो। अब मेरे को पता है तुम लोग क्या बोलने वाले हो, गोजो तो इस समय कट गया बट गया, उसके बचने का चांस जीरो है, वो नहीं बचने वाला। बट तुम में से जिन लोगों ने अच्छे से मांगा रीड किया उन लोगों को शायद पता है, जो केंजाकु है उसने युकी को दो हिस्सों में काट दिया था भाई, और युकी एकदम गोजो की तरह दो हिस्सों में कटने के बाद ही वो क्या कर रही थी, ब्लैक होल परफॉर्म कर रही थी भाई, वो याद है या फिर भूल गए तुम लोग? और यहाँ पर जो गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक है वो युकी से कहीं गुना बेटर है। अगर युकी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होने के बाद ब्लैक होल परफॉर्म कर सकती है, तो गोजो जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है वो अलग अलग दो हिस्सों में कट होने के बाद थोड़ी देर तो अपने आप को टिकाए रख ही सकता है भाई। और दो हिस्सों में कटने के बाद भी जितनी देर तक हमारा गोजो जिंदा उतनी देर तक काशिमो गोना फाइट सुकुना, और फाइट के बीच में जो हम लोग को टाइम मिलता है इस टाइम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो युता है या फिर हमारी जो शोको है वो लोग आरसीटी मतलब रिवर्स कर्स टेक्निक परफॉर्म कर सकते हैं गोजो के ऊपर। और जैसे मैंने बोल के रखा राइटर ने बहुत सारे हिंट्स छोड़ के रखा जिससे हम लोग इजीली बोल
बोल सकते गोजो गाना कम बैक फॉर श्योर। टोजी ने तो गोजो को ऑलमोस्ट पेल ही दिया था। गोजो ने फिर क्या बोला, ही शुड हैव गॉन फॉर हिज हेड, बट यहाँ पर गोजोस हेड इज एब्सोल्युटली सेफ। जैसे मैंने बोला यूकी भी दो हिस्सों में कटी थी। बहुत सारे चीजें जो पॉइंट कर रहा है कि हमारा जो गोजो है इज गोना कम बैक फॉर श्योर। अब एक और पॉइंट, लास्ट वाला चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा गोजो मर गया, ओके चलो फाइन। फिर सारे के सारे जितने लोग हैं मर गए उन लोगों को गुड बाय बोल रहा था, उनके बारे में बातचीत कर रहा था, बट जितने स्टूडेंट जिंदा है उनके बारे में क्यों बातचीत नहीं कर रहा। पॉइंट तो है भाई, अगर एक पॉपुलर कैरेक्टर लाइक गोजो परमानेंटली गुड बाय बोल रहा है तो ऑफकोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए से कुछ ना कुछ वर्ड्स तो यार बोल की जाएगा, बट ही डिडंट। ऐसा क्यों भाई, इजंट इट ऑब्वियस ही इज गोना कम बैक। और जितने प्रॉमिस वो करके रखे अपने स्टूडेंट्स से वो सब कुछ पूरा करने वाला है वो। जैसे नानामे ने उल्टा पिक किया था साउथ, जिसका मतलब वो वैसे का वैसे रहना चाहता, बट नॉर्थ पिक करने से गोजो विल बिकम ए न्यू वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। अब यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग ये जो नॉर्थ वाली चीज है नया वर्जन का मतलब निकाल रहा है कि गोजो बनने वाला है कर्स स्प्रिट, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करने वाला। बिकॉज गोजो कर्स स्प्रिट कैसे बनेगा भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज यहाँ पर गोजो कर्स स्प्रिट बन ही नहीं सकता, बिकॉज उसको मारा गया कर्स्ट एनर्जी से भाई, और जिनको कर्स्ट एनर्जी से मारा जाता है वो कर्स्ट स्प्रिट नहीं बनता है। इतना तो पता ही होगा तुमको, तुम कर्स्ट स्प्रिट तभी बनते हो जब तुम्हारी जो डेथ है वो एकदम नेचुरल वे में हो, या फिर जो नॉन कर्स्ट अटैक है उससे अगर तुम मर जाओ तो या यू कैन बी ए कर्स्ट स्प्रिट। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देख के रखा, जब माँ की पूरे एकदम जेनिन क्लैन को खत्म कर देती है, नाओतो को मार के एकदम से आ जाती है, बट नाओतो तब भी जिंदा था बिकॉज उसको सफर करने के लिए रख दिया था। बट वहां पर नाओतो की जो मॉम है वो आके नाओतो को स्टेप करके मार देती है, फिर जाके हम लोग देखते हैं नाओतो बन जाता है कर्स्ट स्प्रिट। बिकॉज माकी की जो मॉम है रेगुलर जो चाकू है उससे या नाओतो को खत्म किया था, दैट्स द रीजन नाओतो फिर से वापस आया एज ए कर्स्ट स्प्रिट, जो गोजो के मामले में नहीं होने वाला है भाई। तो ये गोजो बिकमिंग कर्स्ट स्प्रिट ये वाली बात तुम लोग भूल जाओ यहाँ पर। और ये देखने में कैसा लगेगा गोजो बिकमिंग कर्स्ट स्प्रिट, ना भाई आई कांट इमेजिन, आई डोंट वांट दैट, प्लस इट्स नॉट गोना हैपन। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट थ्योरी आता है लोटस फ्लावर को लेके। अगर तुम लोगों ने मांगा को अच्छे से रीड किया, तुम लोगों ने देख के रखा इस फ्लावर को, और ये लोटस फ्लावर सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रिबर्थ। और यहाँ पर जो रिबर्थ वर्ड है इससे हम लोगों को फिर से कनेक्शन मिल जाता है विद नॉर्थ, जिसके बारे में मैंने बोला, जिसका मतलब है ए न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और यहाँ पर हम लोगों को पता है गोजो और बुद्धा जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इमीडिएटली व्हेन बुद्धा वाज बोर्न ही टुक 7 स्टेप टू नॉर्थ। तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें आपस में कनेक्टेड, और जो राइटर है ये मोस्ट प्रोबब्ली इसलिए कर रहा है जो गोजो उसको थोड़ा हटाने के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने देख के रखा यार शिबुया में गोजो को सील कर दिया, बिकॉज गोजो की वजह से स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी। बिकॉज गोजो होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, सबको सेम रहेगा, गोजो विल प्रोटेक्ट एवरीवन। गोजो जाने के बाद हम लोगों ने देखा आपस में बहुत कुछ हुआ, जैसे नानामी मर गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा मासामिची यागा जो है वो मर चुका है, फिर सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में चले गए और स्टूडेंट बहुत दूर तक गई। बट अगर गोजो होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ऑन्स अगेन जो राइटर है वो गोजो को इसलिए हटा रहा है ताकि जितने अलग अलग कैरेक्टर्स के वो सामने हाईलाइट हो, बिकॉज ऑफकोर्स इतने दिनों तक ये शो था बस गोजो कैसा, अब ये फाइनली बन चुका है जुत्सु कैसा। तो मोस्ट ऑफली फॉर सम टाइम उनको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, जो हमारा मेन कैरेक्टर यूज उसको हाईलाइट करने के लिए गोजो को थोड़ा ऑफ स्क्रीन रख रहा है। बट किलिंग गोजो आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। अगर एकदम मारने हो तो उसको वापस क्यों लेकर आए, अगर मार ही दिया तो इतने सारे हिंट्स छोड़ के क्यों रखा उसको वापस आने के लिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन, ये तुमको पता है। अब यहाँ पर तीन नंबर थ्योरी, वी ऑलरेडी नो अबाउट द नॉर्थ साइड, अगर गोजो नॉर्थ पे जाएगा तो ही विल बी लुकिंग फॉर ए न्यू साइड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पर जो न्यू साइड है इसका मीनिंग बहुत डिफरेंट हो सकता है, मोस्ट प्रोबब्ली वो नॉर्थ पे जाने के बाद अपना एक अलग ही न्यू साइड डिस्कवर करने वाला है। मे बी ही इज अबाउट टू इवॉल्व बियॉन्ड ह्यूमैनिटी भाई, थोड़ा बहुत मास्टर तेंगिन की तरह, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनके वापस आने वाले हैं, पहले से ज्यादा पावरफुल ब्रो। और यहाँ पर तुम लोगों को पता है गोजो जैसा है वैसे ही अगर आएगा तो यार सुकुना फिर से उसको हरा देगा, तो ऐसा होगा नहीं। ऑफ कोर्स वो जो पावर है वो बूस्ट करके आना पड़ेगा, जिसको उसका जो रिग्रेट है सुकुनन, उसने अपना पूरा एनर्जी नहीं दिया उसके साथ फाइट करने के लिए, वो रिग्रेट ना रहे उसको, और फुल एनर्जी के साथ दोनों के बैटल होने के बाद फाइनली आगे तुमको पता है। और यहाँ पर मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोग यार सुकुना लवर जो सुकुना का सपोर्ट लेता है, इट्स ओके इट्स फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग को पता है सुकुना गोना बी डिफीटेड, अगर ये गोजो करे या फिर यूजी करे या फिर मेगुमी करे, कोई भी करे, सीरीज के एंड में कोई ना कोई तो यार सुकुना को डिफीट करने ही वाला है। तो जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोला, नॉर्थ को पिक करके गोजो कुड इवॉल्व हिमसेल्फ बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, जिससे एक अलग खतरनाक पावर उसको मिल जाए, नहीं तो यार तुमने अपने जितने ब्रेन सेल्स लगाना है तुम लगा लो, कौन हराएगा सुकुना को, यूजी हरा पाएगा, आर यू सीरियस? गोजो इतना सब कुछ करने के बाद, रेड ब्लू पर्पल सब कुछ यूज करने के बाद हरा नहीं पा, इवन सुकुना ने अपना पूरा तक नहीं दिया यार गोजो को, फिर भी गोजो हार गया। और तुम एक्सपेक्ट करो यूजी अभी तैयार है उसको हराने के लिए, ये अभी फिलहाल कतई पॉसिबल नहीं। और तुम लोगों को पता है सुकुना के पास और बहुत पावर्स है, मूव्स है जो हम लोगों ने देखा ही नहीं। और बस यहाँ पर सुकुना ही नहीं, वहां पर केंजाकू है भाई, जो कुछ अलग ही प्लॉट खेल रहा है, जिसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान है। तुमको कहीं से लगता है यूजी यू तो सारे मिलके भी हरा पाएंगे? आई डोंट थिंक सो ब्रो, गोजो हैज टू रिटर्न, उसको वापस है, उसको कम बैक कर रहा है। और जैसे मैंने तुम लोगों को शुरू में बोला, जितने प्रॉमिस यार गोजो ने करके रखा है सारे के सारे प्रॉमिस वो फुलफिल करने वाला। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं अभी चार नंबर थ्योरी पर, उससे पहले एक पैनल तुमको दिखाना चाहूंगा। यस, ये वाला पैनल जहां पर केंजाकू बोलता है फाइट शुरू होने से पहले, वेट सुकुना
कीप योर प्रॉमिस टू मी बिफोर फाइटिंग हिम, जहां पर वो बोल रहा है सुकुना थोड़ा रुक जाओ, फाइट करने से पहले अपना जो प्रॉमिस है वो मत भूलो। तो इस वाले पैनल से हम लोगों को पता चल रहा है जो केंजाकू है कुछ प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा है जो सुकुना के साथ उसने करके रखा है। और ये जो केंजाकू बंदा है बहुत खतरनाक है, बहुत हरामी है। हम लोगों को शायद अभी ऐसा लग रहा है कि जो सुकुना है वो मेन विलेन है, बट ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जाके हम लोग देखे सुकुना मेन विलेन नहीं है, जो केंजाकू है वो मेन विलेन है। जैसे लाइक नारुतो के अंदर हम लोगों को लगा था जो मार्डरा है वो मेन विलेन है, बट बाद में कागुया प्लॉट आती है, फिर मार्डरा एकदम से खत्म हो जाता है, कागुया एकदम ओवरटेक कर लेती है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो सुकुना है ही इज प्लेइंग मार्डरा रोल और केंजाकू प्लेइंग कागुया रोल। और तुम में से जितने लोग जुजुत्सु कैसेन मांगा को कॉट अप करके रखो, तुम लोगों को इतना तो पता है यार केंजाकू जो बंदा है इसका मोटिव अलग है। ये बंदा बहुत ऐसा स्पेशियस है, तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ प्लॉट वो सोच रहा है। सुकुना के साथ कुछ प्रॉमिस करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि केंजाकू को पहले से पता है गोजो गोना लॉस सुकुना गोना विन, कुछ डील विल हुआ होगा कि गोजो को मारने के बाद उसकी जो बॉडी है मेरे हवाले करना। और बॉडी के साथ केंजाकू का प्यार तुमको पता है कैसा है, इटाडोरी मॉम। और ये प्रॉमिस वाला पैनल देखने के बाद अभी और भी जरा डाउट होने लगा भाई। तो अगर केंजाकू गोजो की बॉडी को कैप्चर कर ले तो इट्स गोना बीट यार सुकुना फॉर श्योर एकदम, अगर सुकुना का प्लान उसके अकॉर्डिंग काम ना करे तो। हम लोगों को पता है सुकुना ने गोजो के साथ जीता है बिकॉज सुकुना के पास बैटल नॉलेज यार गोजो से ज्यादा था। बट यहाँ पर जस्ट थिंक केंजाकू विद गोजोस बॉडी एंड ऑल द टेक्निक्स जो केंजाकू ने सीखा है 1200 साल तक, फिर तो भाई केंजाकू मेन विलेन बन जाएगा राइट। बट ऐसा ना होने के पीछे भी रीजन है जो मैं आगे बता रहा। अब यहाँ पर सारी चीजों के बाद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि गोजो के पास पहले से एक बैकअप प्लान था। यहाँ पर गोजो को ऑलरेडी पता है सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर गोजो इज द वन जो सुकुना को बीट कर पाएगा। तो अगर गोजो को लगेगा कि वो हरा नहीं पाएगा तो गोजो ऐसा फाइट क्यों करेगा, और जाने से पहले भी वो बोल रहा था वो जीतने वाला है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई उसके पास पहले से कोई बैकअप प्लान है। यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में देखा था यार गोजो जमीन पे पड़ा था एंड स्माइल कर रहा था। वो ऐसा क्यों लगता है पहले से उसके पास एक बैकअप प्लान था, जब कुछ ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा वो तब वो प्लान के ऊपर वो लोग काम करने वाला है। आई मीन वो गोजो सातोरू है राइट, जिसने ऑलरेडी नियर डेथ वाली एक्सपीरियंस फेस करके रखा है। यस, जब उसने तुजी के साथ फाइट किया तो उससे पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, बट यार बार बार ये तो बोल रहे थे कॉन्फिडेंस आईडी की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो उस फाइट के बाद उसने वहां से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जैसे मैंने बोला उसको पता है सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए मेरे को लगता है कुछ ना कुछ बैकअप प्लान उसके दिमाग में था जिनमें उसके स्टूडेंट भी इंक्लूड है शायद। अब आते हैं लास्ट वाले थ्योरी पर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। गोजो वर्सेस सुकुना का फाइट स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने देखा सुकुना बोलता है उसका जो लास्ट फिंगर है वो गोजो के पास से सुकुना ढूंढने की कोशिश किया बट उसको मिला ही नहीं कहीं पर। तो इट इज सेफ टू से इट इज देयर एडवांटेज अगेंस्ट सुकुना। और अभी तक हम लोगों को पता है गोजो एकदम से मरा नहीं, इज स्टिल ब्रीथिंग। तो हियर आई एम अज्यूमिंग द फिंगर इज सेफ समवेयर। हम लोगों ने देखे रखा गोजो का जो कट है वो पेट से हुआ है, और इतना तो हम लोगों को पता था सोर्स ऑफ कर्स्ट एनर्जी इज स्टमक, जो तो ऑफ कोर्स हम लोगों को बता के रखा, एक्सप्लेन करके रखा, आई होप तुम लोगों को याद है। तो पेट से दो हिस्सों में अलग होने के कारण गोजो खुद अपना आरसीडी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसके लिए स्टोरी के अंदर आते हैं उताहिमे एंड गाकुगानजी। और इन दोनों कैरेक्टर को हम लोगों ने बहुत टाइम से देखा, हम लोगों को पता है दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। हम लोगों को पता उताहिमे कर्स्ट टेक्निक इज सोलो फॉरबिडन एरिया, जिससे वो टेम्पररी अपनी या फिर आसपास में जो उसके रेंज में है उनकी कर्स्ट एनर्जी इंक्रीज कर सकती है, और कोई ना कोई गोजो की बॉडी को उताहिमे के पास लेकर जाएगा और वो अपने कर्स्ट टेक्निक से गोजो की कर्स्ट एनर्जी को इंक्रीज कराने में मदद करने वाली है ताकि गोजो अपने आप को हील कर पाए। और इससे पहले हम लोगों ने देखा शोको ने मेंशन करके रखा है जो यूजी है वो एक कर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरह बन रहा है जो सुकुना के कर्स्ट एनर्जी के साथ मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत पहले गोजो ने मेंशन करके रखा है सुकुना's कर्स्ट टेक्निक विल बी एनग्रेव्ड इनटू यूजी's बॉडी। अब जो करंट सिचुएशन चल रहा है वहां से हम लोगों को इतना हिंट मिल ही जाता है सुकुना अपने ही कर्स्ट टेक्निक से डिफीट होने वाला है। अब यहाँ पर यूजी's पावर कितनी दूर तक जाने वाली है तो हमारे लिए अभी तक मिस्ट्री है, बट इतना हम लोगों को पता चल गया कि यूजी के पास बॉडी स्वॉप करने का एबिलिटी है जो कुसाकबे के साथ करके रखा है, हम लोगों ने देखा है भाई। प्लस यूजी वाज बोर्न टू बी अ वेसल, ये मत भूलो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है उताहिमे और शोको दोनों मिलकर यार आरसीडी की मदद से गोजो को हील करे, फिर उसको रिवाइव करे और फिर हमारा जो यूजी है वो गोजो की सोल को अपने बॉडी में ट्रांसफर कर ले। साउंड्स क्रेजी राइट। अब इससे यूजी हमारा सातोरो गोजो बन जाएगा और सातोरो गोजो यूजी बन जाएगा, दोनों ही एक बॉडी में रहने वाले हैं। अब यहाँ पर दोनों मिलके एक साथ दे विल फाइट सुकुना। अब तुम लोग बोलोगे स्टिल यार सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल है, देन द लास्ट फिंगर जिसके बारे में सुकुना बात कर रहा है जो गोजो के पास है, अगर वो गोजो या यूजी जो दोनों एक ही है वो खा जाए तो या देन दे आर गोना हैव अ खतरनाक फाइट। अब ये थ्योरी इतने में खत्म नहीं होता, ठंडे हो जाओ आगे है। अब यहाँ पर गोजो सक्सेसफुल यूजी के बॉडी के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है, नाउ दे आर वन माइंड एंड वन सोल। इन सबके साथ यूजी का ब्रूट स्ट्रेंथ है वो सुकुना के कर्स टेक्निक के साथ मिल जाएगा भाई, उन्होंने जो फिंगर खा के रखा है। प्लस जैसे शोको बोल के रखा जो यूजी है वो एक कर्स ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें सुकुना का कर्स्ट एनर्जी है भाई, ये तो इस वाले फाइट के अंदर उनका एडवांटेज है। इन सब के साथ साथ यार गोजो की जो बैटल आईक्यू है और जो नॉलेज है दैट्स गोना हेल्प यूजी टू विन दिस फाइट अगेंस्ट सुकुना। भाई वो मेन कैरेक्टर है, ही इज गोना शाइन ऑफ कोर्स। और ये वाली जो थ्योरी है ये सबसे बढ़िया सेंस कैसे बनाता है पता है, वहां पर जो हमारा सुकुना है मेगुमी की बॉडी के साथ कनेक्टेड है दोनों एक बन गए, और यहाँ पर जो हमारा गोजो है वो फाइनल यूजी की बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा, दोनों यहाँ पर भी एक बन जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ फिट है भाई। अब यहाँ पर गोजो का रिवाइवल इंपॉर्टेंट क्यों है, इट्स सिंपल भाई, यूजी का जो ग्रोथ
स्ट्रेंथ है, प्लस सुकुना का जो कर्स टेक्निक है यूजी के बॉडी के अंदर वो इनफ नहीं है कर्स किंग को हराने के लिए। इसके साथ साथ नॉलेज और बैटल स्टडीज जरूरी है जो यूजी के पास नहीं है, जो गोजो के पास है। ही इज गोना हेल्प और जितने के लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, व्हिच विल गोजो हैव टू प्रोवाइड बिकॉज ही वापस से अपने स्टूडेंट को गाइड करने के लिए भाई। और इस वाले फाइट से फाइनली जो दोनों कैरेक्टर्स के पर्सनल गोल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यूजी, उसका फाइट मेन विलेन के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। गोजो अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, उसको सरपास करने में ये फुलफिल हो जाएगा भाई। फिर गोजो की जो विश है सुकुना अपना 100% देके उसके साथ फाइट करे, तब ये भी फुलफिल होने वाली है भाई। और इन सब के साथ साथ फाइनली गोजो गेट्स टू फेस हिज पर्सनल विलेन। आई एम टॉकिंग अबाउट केंजा, जिसने उसके बेस्ट फ्रेंड का जो बॉडी है उसके ऊपर कब्जा जमा के रखा है। एंड फाइनली ये भी फुलफिल होने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और आई होप ये कैरेक्टर तुमको याद है, ताकुमो इनो, जिसका कर्स टेक्निक उसको अलाउ करता है जो स्प्रिट है उनको समन करने के लिए। और हम लोगों ने देख के रखा जब नानामी मर गया उसके डेथ को लेके भी उसको कुछ बोलना था बट वो बोल नहीं पाया। तो यहाँ पर ताकुमो इनो कैन फैसिलिटेट गोजो सातोरू'स रीइंकार्नेशन इनटू ए न्यू बॉडी भाई। अरे इतना तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, केंजा को सुकुना बहुत ज्यादा पावरफुल, यूजी, हकारी, फिर यू, तो ये सारे लोग उनको हरा नहीं पाएंगे यार। आई थिंक ये थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस बनाता है ब्रो। तो यहाँ पर यही थ्योरी, जो सिक्स आइस है वो तो हार गया बट जो गोजो सेंस है जो अपने स्टूडेंट मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को अलग ही लेवल पे लेकर जाएगा जिस लेवल पे वो खुद नहीं पहुंच पाया कभी। इस वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोजो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर बन के नहीं आएगा वापस, वो एज ए गोजो सेंस से बन के वापस आएगा। ए टीचर हु हैड अ ड्रीम ऑफ फोस्टरिंग हिज स्टूडेंट्स टू न्यू हाइट्स जहां तक वो कभी खुद नहीं पहुंच पाया। और इसकी हेल्प की बहुत जरूरत है यूजी को एरिया फाइट जीतने के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ सकता है कि भाई सुकुना को एक्चुअली में डिफीट कैसे करेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। तुम लोगों को याद है चैप्टर 235 में हम लोगों ने देखा गोजो अपना पर्पल यूज करता है जिससे वो खुद डैमेज लेता है, जिससे वो बोलता है मैंने बहुत ज्यादा कम डैमेज लिया, मे बी बिकॉज ये मेरा खुद का कर्स एनर्जी है। और गोजो के लिए एकदम फर्स्ट टाइम था जो उसके साथ हुआ है भाई। और जैसे मैंने बोला हमारा यूजी जो है वो एक कर्स ऑब्जेक्ट जैसा बन रहा है जिसके अंदर सुकुना की कर्स एनर्जी है, दैट वुड बी द रीजन की सुकुना जो है वो डिफीट हो जाएगा अपने खुद के कर्स एनर्जी से। और ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पर सुकुना मेगुमी के बॉडी के अंदर है और यहाँ पर गोजो यूजी के बॉडी के अंदर रहने वाला है। बट फाइट खत्म होने के बाद सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनो आ जाएगा, सब कुछ ठीक कर लेगा, मोस्ट प्रोबेबली गोजो विल गेट ए न्यू बॉडी एंड हैप्पी एंडिंग तो होने का, ये इतना तुम लोगों को पता है यार। एनीमे के अंदर यार ऐसा नहीं कि सुकुना जीत जाएगा फिर एनीमे खत्म होगा, नो इट्स नॉट गोना हैपन। और ऐसा भी नहीं कि यार यूजी और बाकी सब लोग ये फाइट जीत पाएंगे विदाउट गोजो, तो यहाँ पर गोजो के रिटर्न का चांसेस बहुत ज्यादा है अगर राइटर सच्ची में गोजो को हेट ना करे तो। बिकॉज यार वी ऑल नो यार गे हेट्स गोजो यार, बहुत पहले से हमको पता है। बाकी सब कुछ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है, हम थ्योरी लगा सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स राइटर ने छोड़ के रखा है, सारे पॉइंट्स को लेकर बात किया एक ही वीडियो में। बाकी मेरे को पता है तुम्हारे अपनी थ्योरीज है, तुम्हारे अपने ओपिनियन है, तुम शेयर कर सकते हो, इट्स फाइन। और मैंने ये वीडियो रात 4:30 बजे रिकॉर्ड करने के लिए बैठा, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8 भाई, बहुत ज्यादा टाइम। तो मेक श्योर यार तुम लोग अंगूठा लगा रहे हो यार ब्रो, मेक वीडियो फॉर यू गाइस यार, भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लो यार, 6,40,000 के बहुत ज्यादा क्लोज है, 4,000 चाहिए, प्लीज डू इट ब्रो, पैसे नहीं लगता है। और अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा ओपिनियन रीड करना चाहूंगा, डू थिंक अबाउट इट, या गोजो वर्सेस सुकुना का रीमैच तुम लोग देखना चाहोगे या फिर नहीं। बाकी इस वाले वीडियो के अंदर इतने, मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था मैं वीडियो बनाऊंगा, बना दिया। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब तुम लोग कर दो, चलो मन करो इंस्टाग्राम और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।